झटपट बनाए घर पर आलू स्टफ्ड मसाला कुलचा, वो भी बिना तंदूर ओटीजी और बिना किसी ज़्यादा मेहनत के, वो भी घर के तवे पर। हे एवरीवन, वेलकम टू फूडी भाभी चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अमृतसरी आलू स्टफ्ड कुलचे की रेसिपी। इसे बनाने के लिए मैंने किसी भी तरह के ईस्ट का यूज़ नहीं किया है, साथ ही इसे हम बनाने वाले हैं बिना किसी ओवन या फिर तंदूर के। साथ ही इसके साथ मैं बनाने वाली हूँ मसाला छोले। अगर आप इस तरह से अमृतसरी आलू कुलचा या फिर छोले की रेसिपी बनाते हैं तो बार बार यही तरीका फॉलो करेंगे। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना भी बिल्कुल ना भूलें, इससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं कुलचों के साथ सर्व करने के लिए छोले बनाने वाली हूँ, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 4 टमाटर ले लिए हैं, साथ ही मैंने लिए हैं 2 हरी मिर्च और 1/2 इंच का अदरक का टुकड़ा। हमें यहाँ पर टमाटरों के ऊपरी हिस्से को कट कर लेना है। उसके बाद मैं इन सभी टमाटरों को काट के एक ग्राइंडिंग जार में ऐड कर लूँगी। टमाटर को काट के हमें ग्राइंडिंग जार में ऐड कर लेना है, साथ में इसमें ऐड कर दूँगी 2 हरी मिर्चें और 1/2 इंच का अदरक का टुकड़ा। अब मैं इसे ढक्कन लगाकर बारीक पेस्ट में पीस लूँगी। मैंने यहाँ पर टमाटर को पीस कर तैयार कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर ले लिया है एक कढ़ाई और उसमें मैं ऐड कर रही हूँ लगभग 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल। मैंने यहाँ पर सरसों का तेल यूज़ किया है, अब जो कोई भी तेल खाते हो वो ऐड कर सकते हैं। तेल के गर्म हो जाने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 छोटा चम्मच जीरा। जैसे ही जीरा अच्छे से क्रैकल हो जाता है उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1/2 छोटी चम्मच हींग। हींग के रोस्ट हो जाने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं 2 तेज पत्ता और 2 साबुत लाल मिर्च। मैंने इसमें और खड़े मसाले ऐड नहीं किए हैं क्योंकि मैंने छोलों को उबालते टाइम उसमें दालचीनी वगैरह सब मसाले ऐड कर लिए थे। अब मैं इसमें बारीक पीसे हुए टमाटर का पेस्ट ऐड कर दूंगी। अगर आप यहाँ चाहें तो अपने चॉइस के अकॉर्डिंग प्याज या फिर लहसुन इसमें ऐड कर सकते हैं, मैंने इसमें दोनों ही चीज़ें ऐड नहीं की थी। टमाटर को हमें अच्छे से रोस्ट कर लेना है, लगभग 1 से 2 मिनट तक लगातार चलाने के बाद आप देख सकते हैं टमाटर हमारे अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड कर लूँगी कुछ स्पाइसेस। मैंने यहाँ पर इसमें डाला है 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर और 1 छोटे चम्मच छोले मसाला पाउडर। आप चाहें तो इसमें अनारदाना भी ऐड कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर नहीं ऐड किया है। इन सभी मसालों को हमें अच्छे से रोस्ट कर लेना है। लगभग 1 से 2 मिनट तक के लिए हमें इन्हें लगातार चलाते हुए रोस्ट कर लेंगे ताकि मसाले अच्छे से भून जाएं। मसाले अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है सिर्फ ग्रेवी जितना नमक, क्योंकि मैंने छोले बॉयल करते टाइम उनमें नमक ऑलरेडी ऐड कर लिया था। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी लगभग 1.5 कप उबले हुए छोले। मैंने इन छोलों को नमक, हल्दी और आंवला पाउडर डाल के बॉयल कर लिया था, साथ ही मैंने इसमें डाल दिए थे कुछ खड़े मसाले जैसे बड़ी इलायची और दालचीनी। छोले ऐड करने के बाद 102 मिनट तक मैं इन्हें मसाले के साथ मिक्स कर लूँगी ताकि छोले में मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी पानी। यहाँ पर मैंने लगभग 2 कप पानी यूज़ किया है। छोले हमारे अच्छे से पके हुए हैं, हमें बस इसे ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स करना है। आप यहाँ पर कंसिस्टेंसी अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, मैंने थोड़ी सी ग्रेवी ही रखी है। आप चाहें तो इसे ड्राई भी बना सकते हैं। यहाँ पर एक बॉयल आ जाने के बाद मैं इसे ढक दूँगी और लगभग 4 से 5 मिनट तक के लिए इसे मीडियम फ्लेम पर कुक कर लूँगी। लगभग 5 मिनट कुक करने के बाद आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी थिक हो गई है। अब मैं इसे अच्छे से स्टर कर लूँगी। छोले हमारे ऑलमोस्ट बनकर तैयार हो चुके हैं और आप देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा आया है। इसे 1 मिनट तक मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी बारीक कटा हुआ हरा धनिया। हरा धनिया ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब बारी आती है इन छोले के फ्लेवर को इन्हेंस करने की, तो उसके लिए मैं इसमें एक तड़का और लगाने वाली हूँ।
तो यहाँ पे तड़का तैयार करने के लिए मैंने ले लिया है एक पैन और उसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 छोटे चम्मच देसी घी। मैंने यहाँ पर देसी घी का यूज़ किया है, इससे फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है। आप चाहें तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी बारीक कटी हरी मिर्च और बारीक कटे अदरक के टुकड़े। इनको अच्छे से हमें रोस्ट कर लेना है। यहाँ पर मैंने छोलों को एक सर्विंग बाउल में ऐड कर लिया है। अभी मैंने इसमें बनाए हुए तड़के को ऐड नहीं किया है। छोलों को मैं गार्निश कर लूँगी कटे हुए हरे धनिया के साथ। अब मैंने यहाँ पर तैयार किया हुआ तड़का ले लिया है, इसमें मैं ऐड कर दूँगी 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और इस तड़के को अब हमें छोले पर डाल देना है। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना बढ़िया हो जाएगा, लग रहे हैं ना बिल्कुल मार्केट जैसे छोले। अगर आप भी इस तरह से अलग से तड़का लगाते हैं छोले में तो वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और दिखने में भी काफ़ी टेस्टी लगते हैं। तो आप भी इस छोले की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। अब हमारे छोले बनकर तैयार हो चुके हैं। अब बारी आती है इनके साथ स्टफ्ड और मुलायम कुलचा तैयार करने की। मैंने इन छोलों को आलू स्टफ कुलचा के साथ सर्व किया था। आप चाहें तो इन्हें रोटी पूरी पराठा किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा आप इन्हें चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो हम तैयार कर लेते हैं अपने आज के आलू स्टफ कुलचा की रेसिपी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक बर्तन ले लिया है, उसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 कप मैदा। मैंने यहाँ पर 2 कप मैदा ही यूज़ किया है। आप चाहें तो 1 कप मैदा और 1 कप गेहूँ का आटा भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें डाल दूँगी टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। नमक को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। और बीच में मैंने एक ये होल सा क्रिएट कर लिया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी 2 से 3 बड़े चम्मच दही। यहाँ पर मैंने जो दही यूज़ किया है वो काफ़ी खट्टा दही था। दही ऐड करने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। अब हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब मैं पानी की हेल्प से इसका एक आटा गूंथ कर तैयार कर लूँगी। 2 कप मैदा को गूंदने के लिए लगभग मैंने 1 से 1.25 कप पानी का यूज़ किया था। शुरू शुरू में हो सकता है मैदा आपके हाथों में चिपके, लेकिन अगर आप लगातार इसे 3 से 4 मिनट तक गूंथते जाएंगे तो ये धीरे धीरे अपने हाथों से निकलना शुरू कर देगा। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी 2 छोटे चम्मच तेल। तेल ऐड करने के बाद हमें इसे अच्छे से एक बार और गूंथ लेना है। ये काफ़ी लचीला गूंथकर तैयार हो चुका है। अब मैं इसका एक बोल बना लूँगी और इसे ढककर रख दूँगी लगभग 1/2 घंटे के लिए। यहाँ पर मैंने इसको तैयार कर लिया है और ढककर रख दिया है 1/2 घंटे के लिए। तब तक हम इसके लिए स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक मसाला बनाना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर मोर्टल पेस्टर ले लिया है। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ लगभग 8 से 10 काली मिर्च। साथ ही इसमें ऐड कर रही हूँ मैं 1.5 से 2 चम्मच धनिया। यहाँ पर मैंने साबुत धनिया का यूज़ किया है। इनको हमें अच्छे से क्रश कर लेना है। आप चाहें तो इसमें अनारदाना भी ऐड कर सकते हैं। काली मिर्च और धनिया को क्रश करने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। इसे भी मैं इसके साथ मिक्स कर लूँगी। ये मसाला हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब मैं इसे एक साइड रख दूँगी। यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 2 उबले हुए आलू। आलू को हमें अच्छे से मैश कर लेना है ताकि इसमें किसी भी तरह की कोई गांठ ना रहे। आलू को मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब मैंने यहाँ पर बनाया हुआ मसाला ले लिया है। इसमें मैं 2 छोटे चम्मच इस बनाए हुए मसाले को ऐड कर दूँगी। साथ ही जो ये बचा हुआ मसाला है ये हमें आगे यूज़ करना है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च क्योंकि मैंने इसमें हरी मिर्च डाली है और काली मिर्च और चिली फ्लेक्स भी डाले हैं, तो यहाँ पर मैंने लाल मिर्च सिर्फ थोड़ी सी यूज़ की है। साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दिया है 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 छोटी चम्मच अमचूर पाउडर। इसके अलावा मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 छोटे चम्मच मैदा, क्योंकि हम आलू में जब नमक ऐड करेंगे तो वो पानी रिलीज़ करेगा
तो मैदा इसको मॉइस्ट होने से बचाएगा, तो इसलिए मैंने इसमें 2 चम्मच मैदा यूज़ किया है। अब इन सभी इंग्रेडिएंट्स को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब मैं इसे ढक कर रख दूँगी। यहाँ पर मैंने मैदा को ले लिया है और आप देख सकते हैं साइज़ में काफ़ी डबल हो गया है। अभी मैं इसे अच्छे से इकट्ठा कर लूँगी। यहाँ पर हमें हल्के हाथों का यूज़ करना है ताकि इसमें जो एयर बनी है वो इसमें से ना निकले। अब हम इस मैदा को इस परात के अंदर ही फैला लेंगे। आप चाहें तो इसे चॉपिंग बोर्ड पर भी फैला सकते हैं। मैंने इसको अच्छे से फैला लिया है। यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 चम्मच देसी घी। आप देसी घी की जगह पर बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसको इस आटे के ऊपर फैला दूँगी। यहाँ पर लेना है हमें बनाया हुआ मसाला। इस मसाले को भी हमें इसके ऊपर डाल देना है। इसे भी हल्के हाथों से मैं अच्छे से फैला लूँगी। अब मैंने यहाँ पर लिया लगभग 1.5 छोटे चम्मच मैदा। इसको भी इसके ऊपर डाल के हमें हल्के हाथों से फैला लेना है। आपने देखा होगा जब भी हम अमृतसरी कुलचे खाते हैं तो उसमें काफ़ी तरह की लेयर्स होती हैं। कुलचे में लेयर क्रिएट करने के लिए ये स्टेप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हमें इस तरह से फोल्ड करते जाना है। आप देख सकते हैं मैंने इसके आधे हिस्से को फोल्ड कर दिया है। दूसरे साइड से भी मैं इसे इस तरह से फोल्ड कर लूँगी। आप वीडियो में देख सकते हैं मैं इसे किस तरह से फोल्ड कर रही हूँ। मैंने चारों साइड से इसको अच्छे से फोल्ड कर लिया है। अब दोबारा से मैं इसको फैला लूँगी। सेम प्रोसीजर को हमें फिर से रिपीट करना है, लेकिन इस बार मैं इसमें किसी भी तरह का मसाला ऐड नहीं करने वाली हूँ। मैंने इसको अच्छे से फैला लिया था। अब मैं इसे फिर से घी से ग्रीस कर लूँगी। उसके बाद मैंने यहाँ पर मैदा ले लिया है, उसको इसके ऊपर अच्छे से डस्ट कर लूँगी। मैदा को अच्छे से डस्ट करने के बाद हमें इसे फिर से फोल्ड कर लेना है। आप इस स्टेप को वीडियो में अच्छे से देख सकते हैं मैं इसे किस तरह से फोल्ड कर रही हूँ। सेम इसी तरह से अगर आप इसको फोल्ड करते हैं तो आपके कुलचे में भी बहुत अच्छी लेयर्स बनेंगी और वो खाने में भी काफ़ी टेस्टी बनेंगे। सेम प्रोसीजर को मैंने 3 से 4 बार तक के लिए रिपीट कर लिया था। मैंने इसे अच्छे से रैप कर लिया है। अब फिर से मैं इसे फैला लूँगी और सेम प्रोसीजर को फिर से फॉलो करूँगी। ये प्रोसीजर थोड़ा सा टाइम टेकिंग ज़रूर है, लेकिन इसका एंड रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है, तो आप भी इस स्टेप को फॉलो ज़रूर कीजिए। अब मैंने इस पर फिर से घी लगा लिया है और सेम इसी तरह से मैं इस पर मैदा डस्ट कर लूँगी और उसके बाद इसको फोल्ड कर लूँगी। मैंने इसे अच्छे से फोल्ड कर लिया है। लगभग 3 से 4 बार मैंने इस सेम प्रोसीजर को रिपीट किया था। अब हमें अच्छे से इसे इकट्ठा कर लेना है। अब मैं इसमें से लोइयां तोड़ लूँगी। 2 कप मैदा में लगभग 6 लोइयां बनकर तैयार हुई थी। अगर आप छोटे साइज़ के कुलचे बनाते हैं तो इसमें 7 से 8 लोइयां आराम से निकल सकती हैं। अब मैंने कोई हथेलियों की हेल्प से इनकी लोइयां बनाकर तैयार कर लूँगी। लोइयां हमारी बनकर तैयार हो चुकी हैं। मैं इसे फिर से ढककर रख दूंगी लगभग 10 मिनट के लिए। तब तक मैं बनाई हुई आलू की स्टफिंग से छोटे छोटे गोले बनाकर तैयार कर लूंगी ताकि हम इन्हें लोइयों में भर सकें। मैंने यहाँ पर आलू के मसाले को भी लगभग 6 हिस्सों में बांट लिया था। आप देख सकते हैं इसी साइज़ के आप गोले बनाकर तैयार कर सकते हैं। लगभग 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं लोइयां हमारी अच्छे से सेट हो चुकी है। अब हम यहाँ पर एक एक लोइयों को लेते जाएंगे और उसमें स्टफिंग फिल करके उसका कुलचा बनाकर तैयार कर लेंगे। मैंने यहाँ पर एक लोई को ले लिया है, इसमें मैं आलू के मसाले को फिल कर लूँगी। आप देख सकते हैं ये कितनी इजीली फिल हो रहा है। अब हम इसे मैदा में अच्छे से कोट कर लेंगे और हाथों की हेल्प से इसको बेल कर तैयार कर लेंगे। मैंने इसको अच्छे से मैदा में डस्ट कर लिया है और हाथों की हेल्प से ही मैं इसको फिंगर से प्रेशर देते हुए इसे बेल लूँगी। आप देख सकते हैं ये कितना इजीली बेलकर तैयार हो चुका है। अब मैं इसे हल्का सा बेलन से बेल लूँगी।
कुलचे हमारे बेलकर तैयार हो चुके हैं। सेम इसी तरह से हमें सारे कुलचों को तैयार कर लेना है। अब बारी आती है इन कुलचों को सेकने की, तो उसके लिए मैंने ऊपर की साइड पर कुलचे पर थोड़ा पानी फैला लिया था और उसे एक गर्म तवे पर चिपका दिया है। सेम इसी तरह से आप हल्के हाथों से दबा सकते हैं। मैंने यहाँ पर लोहे के तवे का यूज़ किया है। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर दूँगी, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। हल्के हाथों से इसे दबा देना है ताकि ये निकले नहीं। लगभग 3 से 4 मिनट तक इसे कुक करने के बाद अब हम इस तवे को उल्टा करके गैस पर इसको सेक लेंगे। यहाँ पर मैंने फ्लेम को हाई ही रखा है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से सिक रहा है। सेम इसी तरह से हम कुलचे को सेक कर तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितना इजीली रिमूव हो जाता है। कुलचा हमारा सिक कर तैयार हो गया है। सेम इसी तरह से हम बाकी के कुलचों को भी बनाकर तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितने इजीली ये बनकर तैयार हो रहे हैं। अब बारी आती है इन कुलचों को सर्व करने की, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर इन कुलचों पर घी लगा लिया है। आप चाहें तो बटर भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने दोनों कुलचों पर अच्छे से घी को लगा दिया है और आप देख सकते हैं कितने सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं। अगर आप भी इस रेसिपी से कुलचे बनाते हैं तो आपके कुलचे भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होंगे। इन कुलचों को सर्व करने के लिए मैंने यहाँ पर एक प्लेट ले ली है और उसमें ऐड कर दिए हैं कुछ लच्छा प्याज और साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं बनाए हुए छोले। तो आप देख सकते हैं आप घर पर ही कितनी आसानी से तैयार कर सकते हैं इस अमृतसरी छोले और कुलचे को। तो आप भी ट्राई कीजिए इस अमृतसरी छोले और कुलचे की रेसिपी को और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आपको रेसिपी कैसी लगी। ये बिल्कुल ही नो फेल रेसिपी है। अगर आप भी इस रेसिपी को स्टेप वाइज फॉलो करते हैं तो आपके भी छोले और कुलचे बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होंगे। अगर आपको रेसिपी थोड़ी भी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्णा।